এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু প্ৰাসংগিক প্ৰাসংগিক নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া সংমণ্ডলৰ মাণ্ডলিক ৰেল প্ৰবন্ধক ভি এ মালেগাঁওকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। শ্ৰী মালেগাঁওকাৰ জী, আপকা প্ৰাসংগিক কাৰ্যক্ৰম মে স্বাগত হে। পহিলে ইয়ে আপছে জানা চাহুংগা কি ৰেলৱে ৰঙিয়া দ্বাৰা স্বচ্ছতা অভিযান কিছ তৰহ মনাযা গয়া? जैसा कि आप जानते हैं 16 सितंबर से लेकर के कल तक यानी 2 अक्टूबर तक रंगिया मंडल पर स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छता ही सेवा इस नाम से एक अभियान चलाया गया। इसमें हर दिन हम लोगों ने रेलवे के सभी कार्यालय, सभी कॉलोनियां, सभी रेलवे स्टेशन, जो हमारे कर्मचारियों के डिपो है, फिर हमारे जो हॉस्पिटल्स है, इन सब की बारी बारी से सफाई की। और हमारे उन स्टेशनों पर जो हमारे एनजीओज है, बाकी लोग भी है, उनको भी इस अभियान से जोड़ा था। और एक बड़े पैमाने पर रेलवे के सभी कर्मचारियों ने इस अभियान में पिछले 15 दिनों में हिस्सा लिया जी। और इसको स्वच्छता अभियान को, क्योंकि अभी कोविड का समय है, हर कोई जानता है इसमें कि साफ सफाई रखना कितना जरूरी है, तो इस अभियान के कार्यक्रम को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम लोगों ने हमारे सभी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल में स्वच्छता रखने के आदेश दिए हैं। सभी को हमने मास्क मुहैया कराए हैं, सभी कर्मचारियों के पास सैनिटाइजर मुहैया कराए हैं। हमारे जो कार्यस्थल है वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। जैसा कि मान लीजिए कोई ट्रेन आई और उसका जो इंजन होता है, लोकोमोटिव होता है, और जो गार्ड के बैठने का डब्बा होता है, उसको भी हमारे ड्राइवर और गार्ड उस ट्रेन को चलाने के पहले उसके भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और सारे स्टेशनों पर हमारे सफाई का भी काफी बंदोबस्त हम लोगों ने किया है, और इसी सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे और कोविड का भी प्रचार और प्रसार होने से रोकेंगे और स्वच्छता भी हमारे सारे कार्यस्थल पर बरकरार रखेंगे। अब इस कोविड के समय अगर हम लोग जो रेगुलर आप लोग के फंक्शन है उसकी बात करें, तो जैसे जो डबलिंग है या इलेक्ट्रिफिकेशन है, उस काम को कैसे आगे बढ़ाया आपने इस समय? हमारा जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बंगईगांव से लेके गोलपाड़ा के रास्ते गुवाहाटी जाने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण डबलिंग किया जा रहा है। इसमें इसी महीने मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभयापुरी और मझगांव के बीच के डबल लाइन का काम लगभग पूरा हो जाएगा, और जो मुख्य संरक्षा आयुक्त होते हैं रेलवे के, इनके निरीक्षण के पश्चात इसको गाड़ियों के आवागमन के लिए खोला जाएगा। ये अक्टूबर एंड के आसपास ये एक सेक्शन यानी अभयापुरी से मझगांव तक जी, ये पूरा होने की उम्मीद है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का जहां तक सवाल है, रंगिया और न्यू बंगईगांव के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसकी टेस्ट चार्जिंग अगले कुछ दिनों में होने की उम्मीद है जी। और अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेनों की आवाजाही की, तो इस पे अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जो हमारी लचित एक्सप्रेस, जो हमारे मंडल की एक बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है, इसका आवागमन 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है। यानी अब मरकोंग से ले लखीमपुर, धेमाजी, रंगापाड़ा, विश्वनाथ चारियाली, उदालगुड़ी, यहाँ से गुवाहाटी के लिए आने जाने के लिए अब हर रोज एक मेल एक्सप्रेस सेवा लोगों के लिए उपलब्ध है। हालांकि इस गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए आपके पास
रिजर्व कंफर्म्ड टिकट का होना जरूरी है और आपके फोन पर आरोग्य सेतु ऐप का भी होना जरूरी है। अब ये गाड़ी शुरू हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि इन सारे इलाकों से अब गुवाहाटी आने जाने की सुविधा हमारे पैसेंजर्स को उपलब्ध है। इसके अलावा मुंबई से गुवाहाटी यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस और गुवाहाटी, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, सिलचर से त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी से कलकत्ता जाने वाली गाड़ियों को भी कुछ प्रमाण में शुरू किया जा रहा है। जी, और एक दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे ट्रेन के आवाजाही के कारण जो जंगली जानवर होते हैं उनकी मौत होना, अब रेलवे डिवीजन ने इसको रोकथाम के लिए काफ़ी कदम उठाया है। तो कुछ दिन पहले भी ये मतलब ये खबर आई कि दो हाथियों की मौत हुई है, हालांकि ये आपके सीधे आपके अंदर नहीं है फिर भी, तो इस मुद्दे पे आप क्या बताएंगे श्रोताओं को? हमारे सभी जो रेल कर्मी है जहां पर हाथियों के जो उनके कॉरिडोर है, तो आसाम सरकार के वन विभाग के सहयोग से इन सभी कॉरिडोर्स को चिन्हित किया गया है और हमारे ट्रेन के सारे जो ड्राइवर और गार्ड है और उस इलाके में काम करने वाले कर्मचारी है उनको सजग रखा गया है हाथियों के प्रति। और प्लान बी नाम की एक योजना के तहत हम लोगों ने ऐसे 21 स्थानों पर उपकरण लगाए हैं जिनके आवाज से हाथी उस ट्रैक के अगल बगल में जमा ना हो। और इन सारे उपायों का नतीजा यह है कि पिछले 2 साल में रंगिया मंडल पर गाड़ियों के और हाथी की टक्कर का कोई भी हादसा नहीं हुआ। और इसी दिशा में हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हाथियों के प्रति बिल्कुल सजग रहकर ये सुनिश्चित करेंगे कि हाथियों को कोई नुकसान ना हो। जी, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेंजर डिवीजन की जो प्लान बी है ये पूरे देश के लिए एक आइडियल एक प्रोजेक्ट के रूप में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इस प्लान बी को रेल मंत्रालय से भी सराहा गया है और उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोगों ने इस साल जारी की है। उसके तहत जो भी हमारे कर्मचारी उस इलाके में काम करते हैं उनको हाथियों के इस कॉरिडोर के बारे में सूचित किया जाता है, इस उपकरण को चलाने के बारे में सूचित किया जाता है और इसका रखरखाव और इस्तेमाल के भी गाइडलाइंस सभी के पास उपलब्ध कराए गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि वन विभाग के साथ भी हम लोग तालमेल बनाए रखे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हाथियों की मतलब इस तरह की वारदात इस मंडल पर ना हो। जी, फिर हम लोग अगर स्वच्छता की बात करें तो आपके ख्याल से ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद जो रेल यात्री है जो आए दिन रेल से आवाजाही करते हैं उन लोग पे कैसे जागरूकता आया स्वच्छता को लेकर? मैं देख रहा हूं कि हमारे यात्री रेलवे के जो स्वच्छता के प्रति प्रयास है उसकी सराहना कर रहे हैं। हमारा जो रेल मदद करके एक ऐप है जिसके तहत यात्री शिकायतें दर्ज होती है उसमें आम तौर पर अब स्वच्छता को लेकर के शिकायतें कम आ रही है। तो इससे भी जाहिर है कि स्टेशनों की और गाड़ियों की स्वच्छता पर जो बल रेलवे द्वारा दिया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ अच्छा सकारात्मक परिणाम निकल के आ रहा है। और यात्री इसी को यात्रियों के सहकार्य से ही ये स्टेशनों की स्वच्छता हमारे लिए मुमकिन होती है। हमने स्टेशन पर कई तरह के उपाय भी किए हैं जैसे रंगिया स्टेशन पर कंपोस्टिंग प्लांट लगाया है, कई सारे स्टेशनों पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन लगाए हैं, अलग अलग कलर स्कीम के डस्टबिन मुहैया कराए गए हैं। तो इस तरह के कई सारे उपाय करके यात्रियों के लिए भी हम ये सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जैसे कि स्टेशन हमारे स्वच्छ रहे। जी, और आखिर में जो ट्रेन अभी असम में यातायात पे है जो आवाजाही हो रही है ट्रेनों की उस पे आप लोग स्वच्छता पर कैसे ध्यान दे रहे हैं? उसमें जो भी ट्रेन अभी निकलती है उसको पहले उसकी मरम्मत जब होती है तो उसके दौरान गाड़ियों की अंदरूनी सफाई की जाती है, बाहर से भी उनको अच्छे से
पानी से धोने की व्यवस्था की जाती है, यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भराया जाता है, और जिसको OBHS नाम की जो हमारी सिस्टम है उसको और अलग अलग स्टेशनों पर भी गाड़ी के सफाई की व्यवस्था रखी जाती है। तो इन सारे उपायों से ये यात्री यात्रा के दौरान भी ट्रेनें साफ रहे, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं। जी श्री मालगांवकर जी, आपने हमें समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া সংমণ্ডলৰ মাণ্ডলিক ৰেল প্ৰবন্ধক ভি এ মালেগাঁওকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰ শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিলে মানৱ প্ৰতীম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। আজিৰ প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।